हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हमने अमेरिका के एग्जेक्टिव सिस्टम के बारे में किया, जिसमें प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कैबिनेट एंड वाइस प्रेसिडेंट की रिगार्डिंग किया। एंड आज हम करेंगे जो अमेरिका की कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वो क्या है, लेजिस्लेचर। जैसे गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन्स होते हैं, उसमें से जो सेकेंड ऑर्गन है लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग एजेंसी, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट कहते हैं वैसे वहां पर इसको कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका का कांग्रेस है, लेजिस्लेचर है, इसका ओरिजिन कैसे होता है और इसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो अमेरिकन कांग्रेस जे क्या है, जे फेडरल लेजिस्लेचर है। अमेरिका क्या है, एक फेडरल कंट्री है जिसमें जो पावर्स हैं सेंटर एंड स्टेट, इन दोनों में डिवाइड की गई है। और जो सेंट्रल एजेंसी है, सेंटर का जो लेजिस्लेचर है, उसको अमेरिकन कांग्रेस कहते हैं। जो अमेरिकन कांग्रेस है जे बाई कैमरल है, इसके टू हाउसेस हैं। कौन कौन से, वो है सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो अपर हाउस है, अपर हाउस को सेनेट कहते हैं। जो अमेरिका का सेनेट है, जिस सबसे पावरफुल हाउस है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो लोअर हाउस होता है वो पावरफुल होता है, लेकिन अमेरिका में क्या है, सेनेट दैट इज अपर हाउस, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसके 100 मेंबर्स है जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो यूएसए है वो 50 स्टेट से मिलके बना है, तो हर एक स्टेट अपने टू रिप्रेजेंटेटिव को अपर हाउस में भेजते हैं, तो वो कितने बन गए, 100 मेंबर्स बन गए। एंड जो लोअर हाउस है, जिसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, इसके 435 मेंबर्स है, जे पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरह जो अमेरिकन कांग्रेस है, जे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। जो अमेरिका है, अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका प्रिंसिपल रूल करता है। उसके अकॉर्डिंग जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 1, वो क्या कहता है, ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स हियर इन ग्रांटेड शैल बी वेस्टेड इन द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विच शैल कंसिस्ट ऑफ सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मीनिंग बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल से ही कहता है जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो सिर्फ एंड सिर्फ कांग्रेस को ही दी गई है। जो इसको इम्प्लीमेंट की एग्जेक्टिव पावर्स है वो प्रेसिडेंट को दी गई है, और जो जुडिशरी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। वहां पर बहुत अच्छे से सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। तो जो लॉ मेकिंग एजेंसी है वो कौन बन गई, कांग्रेस बन गई, जिसके टू हाउसेस हो गए, सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो कांग्रेस है, इसका ओरिजिन कब होता है, क्या यूएसए में स्टार्टिंग से ही बाइकैमरल लेजिस्लेचर थी? जब यूएसए में कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया जाता है, तब कैसे इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है, कैसे यूनिकैमरल से जे बाइकैमरल की ओर डेवलप करते हैं। अमेरिका में जब इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, उससे पहले ही आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जब उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को साइन किया था, तब कहा था हम अपना रूल खुद करेंगे। तब अमेरिका के 30 स्टेट से आपस में मिलकर रूल करने लगते हैं, तो वो आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। वहां पर यूनिकैमरल बॉडी है, उसको एस्टैब्लिश किया जाता है, ओनली वन हाउस होता है जिसको कांग्रेस कहते हैं। तो इसमें क्या था, एक स्टेट की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, वहां पर 13 स्टेट्स थी, 13 के 13 स्टेट्स की इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, तो वहां से टू टू मेंबर्स आते थे, टोटल 26 मेंबर्स बन गए। इस तरह पहले वहां पर यूनिकैमरल बॉडी थी। तो जब आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन है, जे वी कॉन्फेडरेशन होता है, लूज कॉन्फेडरेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग रूल करना मुश्किल हो जाता है,
इसीलिए वो चाहते हैं जो आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन है इसकी वीकनेसेस को खत्म किया जाए। इसके लिए वहां पर एक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन की जाती है 1787 में, जिसमें कहा जाता है आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन है इनकी जो वीकनेसेस है इसको खत्म कर दो। तो वहां पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्लान्स होते हैं जिसमें कांग्रेस से रिलेटेड भी प्लान आते हैं। तो वहां पर वर्जीनिया प्लान आता है जो प्रपोज करता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। वो कहते हैं टू हाउसेस होने चाहिए, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। जो लोअर हाउस है इससे पब्लिक ओपिनियन पता चल सकता है, तो इट रिप्रेजेंट द पब्लिक ओपिनियन, इट रिप्रेजेंट द पब्लिक। और जो अपर हाउस होगा ये रिप्रेजेंट करेगा स्टेट्स को, इसमें सभी स्टेट्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो वहां पर वर्जीनिया प्लान के अकॉर्डिंग टू हाउसेस को प्रपोज किया जाता है कि हमारे पास यूनिकैमरल नहीं बाइकैमरल लेजिस्लेचर होनी चाहिए। लेकिन वर्जीनिया प्लान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए एक नया प्लान आता है जर्सी प्लान, जो यूनिकैमरल प्लान को ही स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे थे। इस तरह वहां पर और भी बहुत सारे प्लान्स आते हैं। तो एंड में जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो होता है कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज। इस प्लान पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जिसके बाद बाइकैमरल लेजिस्लेचर को चुना जाता है, जिसमें लोअर हाउस होता है जिसके मेंबर्स की काउंटिंग है वहां की पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें 30,000 पॉपुलेशन के बिहाइंड एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। एंड जो अपर हाउस होता है इसमें जितने भी स्टेट्स हैं सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज में लोअर हाउस एंड अपर हाउस इन दोनों को इस्टैब्लिश कर लिया जाता है। जब मार्च 1789 में नया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद जो कांग्रेस है इसका भी फर्स्ट कॉरम होता है, फर्स्ट मीटिंग होती है, वो होती है 1 अप्रैल 1789 को। इस तरह अमेरिका में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है इसका ओरिजिन होता है। अब हम करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द कांग्रेस। जो कांग्रेस है इसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कांग्रेस। जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस का पार्ट नहीं है। इट मींस क्या हो गया, जो प्रेसिडेंट है वो कांग्रेस की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करता है। ऑल्दो जितने भी बिल होते हैं, जितने भी लॉ बनाए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा उसको प्रेसिडेंट ही अप्रूव करता है, लेकिन वो उन मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसीलिए जो प्रेसिडेंट है जे एक एग्जेक्टिव हेड है और कांग्रेस क्या है लेजिस्लेचर है। इन दोनों में कोई भी रिलेशन डिवेलप नहीं किया गया कि जो एग्जेक्टिव हेड है वो कांग्रेस में जाए, मीटिंग्स को हेल्ड करे, वहां की वर्किंग को इन्फ्लुएंस करे। इस तरह वहां की जो कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर टू बाइकैमरल लेजिस्लेचर। वहां की कांग्रेस क्या है बाइकैमरल, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस सेनेट जो परमानेंट हाउस है, एंड सेकंड है लोअर हाउस जो 2 इयर्स के लिए चुना जाता है। उसके बाद आता है कांग्रेस इज नॉट सॉवरेन। ये कहते हैं कांग्रेस सॉवरेन नहीं है, इट इज अ लॉ मेकिंग एजेंसी। फिर भी जो कांग्रेस है कांग्रेस के द्वारा जो भी लॉ बनाए जाते हैं इसको पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, जिस वजह से वो कांग्रेस के लॉ को दोबारा से रिवाइज करने के लिए सेंड कर सकते हैं। अगर कांग्रेस है बिल फिर पास कर देती है, उसके ऊपर जुडिशरी है, जुडिशरी भी कांग्रेस के द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इस तरह जो लेजिस्लेचर बॉडी है वो कोई सॉवरेन बॉडी नहीं है, वहां पर चेक एंड बैलेंसेस है, इसका प्रिंसिपल भी वर्क करता है। नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द कांग्रेस आर नॉट इक्वल। वहां के जो दो हाउसेस है सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इन
दोनों की पावर्स या इक्वल नहीं है। इसमें जो अपर हाउस है दैट इज सेनेट, ये क्या है ज्यादा पावरफुल है। अदरवाइज सभी कंट्रीज में लोअर हाउस ज्यादा पावरफुल होता है। नंबर फिफ्थ, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ बोथ द हाउसेस, वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव है चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो चाहे सेनेट की रिप्रेजेंटेटिव हो, इन दोनों की इलेक्शन क्या होती है डायरेक्ट इलेक्शन होती है, लोग खुद ही इनके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज नो प्रोविजन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन बोथ द हाउसेस ऑफ कांग्रेस, जो कांग्रेस के टू हाउसेस हैं इनमें कोई भी नॉमिनेशन की प्रोविजन नहीं है। जैसे इंडिया में हमारे प्रेसिडेंट है वो इंडियन के टू मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वहां के प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं कर सकते। वहां पर कोई प्रोविजन नहीं है, चाहे सेनेट है चाहे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इन दोनों में कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं होता, सभी के सभी डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स हैं इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, क्योंकि जो सेनेट है, सेनेट क्या है सबसे पावरफुल हाउस है, इसमें हर एक स्टेट की टू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं तो 50 के टू रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए तो सेनेट के टोटल 100 रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अपर हाउस इज परमानेंट एंड द टेन्योर ऑफ द लोअर हाउस इज फिक्स्ड, जो अपर हाउस है ये परमानेंट है क्योंकि इसके 1/3 मेंबर्स हैं, एवरी 2 इयर्स के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है और इसके बदले नए इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि जो लोअर हाउस है इसका टर्म फिक्स है फॉर 2 इयर्स। वहां पर कांग्रेस के मेंबर्स को, वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स को 2 सालों के लिए ही चुना जाता है। हमारे इंडिया में लोकसभा के मेंबर्स हैं, इनको 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, लेकिन वहां पर लोअर हाउस के मेंबर्स को 2 इयर्स के लिए ही चुना जाता है। नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ रीजनल इंटरेस्ट इन कांग्रेस, वहां पर डिफरेंट रीजन के मेंबर है और वहां पर जो रीजनल इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, इसीलिए ही शायद अमेरिका में जो कांग्रेस है वो इनसिग्निफिकेंट हो चुकी है। वहां पर जो रीजनल इंटरेस्ट है एंड नेशनल इंटरेस्ट है इन दोनों में कोई भी बैलेंस नहीं बन पाया है। एंड लास्ट इज एब्सेंस ऑफ रीजन पार्टी डिसिप्लिन, वहां पर रीजन पार्टी डिसिप्लिन नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में रीजन पार्टी डिसिप्लिन होता है, जब भी कांग्रेस में पार्टीज की मीटिंग होती है मेंबर्स होते हैं, जो पार्टी कहते हैं मेंबर्स वो ही करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, इसीलिए वहां की जो कांग्रेस है उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, वो इनसिग्निफिकेंट बन चुकी है। जब भी हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं वहां का प्रेसिडेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वहां की कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है, वहां वो डोमिनेट ही नहीं कर पाती, क्योंकि वहां पर जो रीजनल लॉयल्टीज हैं एंड नेशनल लॉयल्टीज हैं इनमें कोई भी बैलेंस नहीं बन पाया है। तो वहां की कांग्रेस है, वहां की कांग्रेस के टू हाउसेस हैं, वो कांग्रेस के हाउसेस कैसे वर्क करते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। पहले हम करेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एंड आज हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की कि कांग्रेस होती क्या है एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।